हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, अब आप अपने लेसन थ्री का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इन द बिगिनिंग द गंगा इज अ लिटिल स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द गौमुख, यानी कि शुरुआत में जब गंगा बहती है छोटी धारा में, तो जब वो गौमुख से निकलती है छोटी धारा के रूप में, एज सी फ्लो डाउनवर्ड, जैसे वो नीचे की तरफ बहती हुई आती है, अदर टीनी स्ट्रीम यानी दूसरी छोटी जो नदियां होती हैं वो ज्वाइन हर उसे ज्वाइन कर लेती हैं, दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और गंगा बड़ी से बड़ी होती जाती है। अब देखिए, एट द माउंटेन स्टेज द गंगा वाटर इज आइसी कोल्ड, जब वो माउंटेन पर होती है तो जो इसका पानी होता है वो बर्फ की तरह बना होता है, और शी फ्लोज थ्रू रॉक्स एंड पेबल्स एट अ फास्ट स्पीड, तब वो पत्थर और चट्टानों से होकर बहती हुई बहुत तेजी से निकलती है, शी ग्रोज बिगर डीपर एंड वाइडर, तब वो बहुत ही गहरी और चौड़ी रूप में बहती हुई चलती है, ठीक है। फिर सून शी लीव्स हाई रॉक्स बिहाइंड एंड इंटर माउंटेन, फिर वो पीछे सारे चट्टानों को छोड़ देती है और माउंटेन में प्रवेश करती है, और कवर्ड विथ ग्रीन फॉरेस्ट, और अब वो हरे जंगलों से ढक जाती है। एट लास्ट ही रीच द प्लेन, अब वो समतल पर पहुंचती है, विथ दिस द माउंटेन्स जर्नी एंड्स, अब यहाँ पर जो माउंटेन की मतलब की जो उसकी यात्रा होती है वो यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। अब देखिए, द गंगा इज ब्रॉड एंड स्लो इन द प्लेन्स शी फ्लोज पासिंग हरिद्वार, अब वो धीरे से बहते हुए हरिद्वार पर आती है, हरिद्वार इज अ प्लेस पिलग्रिमेज, यानी एक जो है तीर्थ स्थान है फॉर द हिंदू, हिंदुओं के लिए, द स्ट्रेंजर्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड, फार मतलब दूर और बहुत ही दूर दूर जगह से लोग आते हैं, सो टू हैव अ डिप इन हर हॉली वाटर, यानी जो लोग आते हैं वो इसके पानी में डुबकी लगाने के लिए, इसके पवित्र पानी में, गंगा के पवित्र पानी में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं, दिस रिवर इज होली फॉर देम, ये जो नदी है वो उन सब के लिए बहुत ही पवित्र होती है। फिर देखिए क्या होता है, बोट्स एंड शिप्स सेल ऑन इट, यानी कि जो नाव और जहाज होते हैं पानी के वो इस पर तैरते हैं, देयर आर ग्रीन फील्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ हर बैंक, यानी इसके किनारे की तरफ जो है हरियाली होती है, हरा स्थान होता है, द वाटर ऑफ गंगा टेकन टू द फील्ड, अब ये जो है खेतों के लिए भी इसका पानी जाता है। देखिए, टू माउंटेन्स रिवर द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन गंगा इन द प्लेन्स, यानी जब वो प्लेन मैदानों पर आती है तो यहाँ पर उसको यमुना और सरस्वती दो नदियां और मिल जाती है, कहाँ पर, इलाहाबाद में, ठीक है, और ये तीनों जहां पर मिलती हैं उस जगह को त्रिवेणी या फिर संगम कहा जाता है, द हिंदू रिगार्ड्स एज अ वेरी हॉली रिवर, हिंदू लोग जो होते हैं इसको बहुत ही पवित्र जगह कहते हैं, नाउ द गंगा फ्लोज टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, अब नदियां, ओके बच्चों, अगला पार्ट हम दूसरे में पढ़ाएंगे आपको, थर्ड पार्ट में।